बेंगलुरु के नए पुलिस कमिश्नर बी दयानंदा से आज उलमा इकराम ने मुलाकात की। बेंगलुरु के तंजीमों के जिम्मेदार उलमा इकराम उमायदीन ने आज बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर बी दयानंद से मुलाकात करके तबादला ख्याल किया। इस खास मुलाकात का मकसद कम्युनिटी और पुलिस महकमे के दरमियान दोस्ताना और खुशगवार ताल्लुक बनाना था। इस मुलाकात में जामा मस्जिद सिटी मार्केट के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान, मुफ्ती इफ्तखार कासमी, मौलाना शब्बीर नदवी, मौलाना वहीदुद्दीन, डॉक्टर साद बेलगामी, अफसर बेग कादरी वगैरह मौजूद रहे। इश्यूज़ को उठने से पहले मुलाकात और गुफ्तगू के जरिए हल करने की कोशिश की जाए। आपकी तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से पूरा का पूरा सपोर्ट और कॉन्फिडेंस मिला, इसी के वजह से पुलिस डिपार्टमेंट में ये सारे जो मामले थे या सारे जो थे उस समय में लॉ ऑर्डर को बरकरार रखने में कामयाब होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शहर बेंगलोर बल्कि सूबाई सतह की और मुल्की सतह की तंजीमों के ज़िम्मेदारों पर मुश्तमिल एक वफ्द मौजूदा नए कमिश्नर साहब से मुलाकात की। ये मुलाकात खैर सगाली थी और उनके सामने साथियों ने यह बात रखी कि पहले से जो सिलसिला कम्युनिटी और पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में चला आ रहा है आपस में मुलाकात का और मसाइल को मिलकर के सुलझाने का, उस सिलसिले को बाकी रखा जाए बल्कि उसको और मजबूत और मुस्तहकम किया जाए। इश्यूज़ को उठने से पहले मुलाकात और गुफ्तगू के ज़रिए हल करने की कोशिश की जाए। कमिश्नर साहब ने भी बहुत अच्छे अल्फाज और हिम्मत अफज़ा कलिमात के साथ उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ये सिलसिला जारी भी रहेगा और इसमें मजबूती भी लाई जाएगी और कुछ अपने किए हुए कामों का भी उन्होंने तज़किरा किया। हमें उम्मीद है कि सूबे में अमन व अमान के लिए कम्युनिटी और पुलिस डिपार्टमेंट मिल करके अमन की बहाली के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उसकी इंशाल्लाह सराहना भी होगी, उसमें भरपूर कामयाबी भी मिलेगी। जब भी कोई इशू है, जब भी कोई चीज़ है या कोई मिसकम्युनिकेशन है या कोई हादसा हुआ है या हमारे लोगों से कुछ गलती हो गया, वो पुलिस स्टेशन के लेवल पे या रास्ते पे हादसे बने के लिए कर दिया, तो धन्यवाद।